अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं मटन मलाई टिक्का बनाने के लिए। चलिए अब हम ये हमने ये मटन को धोकर रखा हुआ है और छोटी छोटी पीस किया हुआ है। देखिए इस तरह से बस पीस करना है। और ये हमने लिया है 2 चम्मच पपीता, इसको हमने पीस लिया है। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें पानी नहीं ना, हमने इसको छान लिया था। और नमक थोड़ा सा भी हमने लिया है। और एक चम्मच हम दही लेते हैं, कोई सा भी दही हो, अगर पतला दही है तो उसको आप छान लीजिए, ये थोड़ा गाढ़ा दही है, इस वजह से हमको हमने यही दही ले लिया है। और इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए रखते हैं, या अगर आप रखना चाहिए तो 3 घंटा 4 घंटा, जैसे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, पर 2 घंटा तो ज़रूरी है। और अब हम इसको रख देते हैं, 2 घंटे के बाद फिर हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो निकल चुका है, अब हम मसाला निकालते हैं। देखिए ये हमने लिया हुआ है थोड़ी सी जावित्री, जायफल, 4 छोटी इलायची और कुछ काली मिर्च, और ये हमने 4 हरी मिर्च लिया हुआ है। इसको हमें बारीक जो है कूट लेना है। चलिए हम इसको जो है इसमें डालकर कूटते हैं। देखिए ये इतना दरदरा हो चुका है। अब हम हरी मिर्चें भी जो है इसको भी थोड़ा सा दरदरा इसीलिए हमें कर लेना है, कूट लेना है। ये हमने सभी चीज़ तरह से कूट लिया है। अब हमको इसमें मिक्स करना है। और ये हमने लिया है काला नमक 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1.5 चम्मच अरारोट पाउडर, इसको भी हमें मिक्स कर लेना है। और हमको क्रीम लेना है, ये फ्रेश क्रीम जो है, अगर फ्रेश क्रीम नहीं ना तो आपके पास में जो है आप घर की मोटी वाली मलाई ले लीजिए। दो चम्मच क्रीम हमको लेना है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने सब मिक्स करके रख लिया है। हम चटनी की तैयारी करते हैं। हमने दही लिया हुआ है 1 चम्मच, ये थोड़ी सी हरी धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया हुआ है, और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, काला नमक, इसको हमें बारीक पीस लेना है। ये चटनी की है। सभी चीज हमने मसाले मिक्स कर लिया है। अब हमको इस तरह से तीली में लगाना है। हमने बना लिया है, अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं इस तरह से एक एक करके। हम दिखाते हैं, हमें इसको इस तरह से जो फ्राई कर लेना है। देखिए जो है इस तरह से तो हम पलट चुके हैं। अब दोबारा मटन मलाई टिक्का तैयार है, चलिए हम लोग खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।